अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हमने एक थ्योरम को प्रूव करना है। थ्योरम हमारे पास है एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज टी टू स्पेस, कि हर मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या होती है, टी टू स्पेस होती है। थ्योरम को प्रूव करने से पहले बताता चलूं कि फाइनल टर्म के जितने भी लेक्चर हैं उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उधर से जाकर देख सकते हैं। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। हमने प्रूव करना है कि हर मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या है, टी टू स्पेस है। इसको मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली पहले बताना चाहूँगा ताकि हमें बात की समझ आ जाए। हमने बात की थी कि टी टू स्पेस हमारे पास कौन सी होती है। टी टू स्पेस इस तरह की स्पेस हमारे पास होती है कि अगर ये एक स्पेस एक्स है, ये टी टू स्पेस हमारे पास तब कहलाएगी कि अगर मैं इसके अंदर से दो पॉइंट लूँ एक्स और वाई, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लूँ एक्स और वाई। ये दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। मतलब मैं दो पॉइंट एक्स वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट लूँ तो मुझे दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलने चाहिए कि एक्स बिलोंग करे यू से और वाई बिलोंग करे वी से। अगर मुझे हर पेयर के लिए इस तरह के दो पॉइंट मिलते हैं, मतलब एक्स के अंदर से हर पेयर आपको मिलता है, एक्स का मतलब कोई भी पेयर आप उठा लें, तो उसके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएं कि एक्स बिलोंग करे एक सेट से और वाई बिलोंग करे दूसरे सेट से, तो हम बोलते हैं कि ये एक्स हॉर्स्टोव स्पेस होती है। अब हमने शो करना है कि मैट्रिक स्पेस भी हमारे पास क्या है, हॉर्स्टोव स्पेस है या टी टू स्पेस है। और हम जानते हैं मैट्रिक स्पेस के अंदर जो ओपन सेट हमारे पास होते हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, ओपन बॉल्स होती हैं, ठीक है। तो अब हमने ये शो करना है कि अगर ये आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, मतलब ये एक्स ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस के अंदर आपने क्या करना है, दो पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट एक्स ले लेना है और एक पॉइंट आपने क्या ले लेना है, वाई ले लेना है। तो आपने ये शो करना है कि एक्स के ऊपर हम जो ओपन बाल ड्रा करते हैं और वाई के ऊपर जो ओपन बाल ड्रा करते हैं, ये दोनों ओपन बाल आप क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इनके दरमियान कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आता। हम कोई भी इस स्पेस के अंदर से पॉइंट उठा लें और उनके ऊपर ओपन बाल ड्रा कर लें तो वो दोनों बाल क्या होंगी, आपस में डिस्टिंक्ट होंगी। ये बात हमने शो करनी है। चले हम अपने लेक्चर की तरफ अब मज़ीद बढ़ते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स हमारे पास कोई भी सेट है डी, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि मैट्रिक डिफाइन कर दिया, तो ये पेयर हमारे पास क्या बनाता है, कि मैट्रिक स्पेस बनाता है। अब हमने ये शो करना है कि ये आपके पास टी टू स्पेस है या हॉर्स्टोव स्पेस है। हम लेट करते हैं, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं एक्स के अंदर से, ठीक है। अब हमने एक्स के अंदर से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं, अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, मैट्रिक हमारे पास डिस्टेंस डिफाइन करती है ना। अगर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो फिर इसका मतलब है डी ऑफ एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हम लेट कर लेते हैं कि इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास टू आर है और आर हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है ग्रेटर दैन ज़ीरो। अच्छा, और हम ये भी बात कर चुके हैं कि ओपन बाल जो होती हैं हमारे पास वो ओपन सेट होती हैं मैट्रिक स्पेस के अंदर। दस वी कैन फाइंड ओपन बाल। हम एक्स के अंदर से दो पॉइंट लिए थे ना एक्स और वाई, तो हम एक्स के ऊपर भी एक ओपन बाल हमें मिल जाती है और वाई के ऊपर भी हमें एक ओपन बाल मिल जाती है आर रेडियस की। अच्छा, ये दो ओपन बाल इस तरह की है कि एक्स बिलोंग करता है इस वाली बाल के अंदर से और वाई बिलोंग करता है इस वाली बाल के अंदर से। अब हमने ये शो करना है कि ये जो दो बाल हैं एक्स पॉइंट के ऊपर और वाई पॉइंट के ऊपर, ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या हैं, डिसजॉइंट ओपन बाल है। मतलब इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आता है, फाई आता है आंसर। अच्छा, कंट्रेरी हम सपोज करते हैं कि ये इनका जो इंटरसेक्शन है ना वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है। अच्छा, अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई एक पॉइंट हमें मिल जाता है जो इस बाल के अंदर भी है, इस बाल के अंदर भी है। कंट्रेरी सपोज हमने कर लिया, वो पॉइंट जी था हमारे पास जो इनके इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करता है। अगर जी इनके इंटरसेक्शन के अंदर है तो इसका मतलब है जी इस वाली बाल के अंदर भी है और जी इस वाली बाल के अंदर भी है। अच्छा, ये जी इस बाल के अंदर है तो इसका मतलब है एक्स का और जी का डिस्टेंस लेस देन आर होगा, क्योंकि ओपन बाल की ये डेफिनेशन है ना, जब हम ओपन बाल को मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं तो इसका मतलब है डी ऑफ एक्स जी लेस देन आर है। और ये भी आपके पास इसका मतलब है कि वाई जी लेस देन आर है हमारे पास। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए कि एक्स भी लेस देन आर है और वाई जी भी लेस देन आर है। अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लिखते हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हम जानते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स जी एंड जी टू वाई। ये हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लिख दी। हमने पीछे सपोज किया था कि एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो टू आर है, और एक्स जी के दरमियान डिस्टेंस भी आर था और वाई जी के दरमियान भी डिस्टेंस आर था, ये अभी हमने देखा। अच्छा,
ये स्ट्रिक्टली ये लेस देन इक्वल से हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस आ गया, क्योंकि ये हमने दोनों के दोनों क्या ड्रा की थी, ओपन बार ड्रा की थी, तो इसलिए ये इक्वालिटी का साइन हट जाएगा इधर से, तो ये स्ट्रिक्टली लेस आपके पास आ जाएगा। अच्छा, आर प्लस आर आपके पास कितना आ जाएगा, टू आर आ जाएगा, ये टू आर वैसे का वैसे ही है, ठीक है। टू आर लेस देन टू आर ये तो पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है हमने जो पीछे अपनी सपोजिशन की थी वो हमारे पास रॉन्ग थी, सपोजिशन रॉन्ग थी। तो इसका मतलब है कि जो दो बाल हैं जब उनके दरमियान डिस्टेंस 2r हमने लेना है और r रेडियस की बाल ड्रा करनी है, तो वो जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या आएगा, एम्पटी आएगा, फाई आएगा, ठीक है। अगर फाई आएगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x था वो हॉर्सटॉ स्पेस था, और x क्या थी, एक मीट्रिक स्पेस थी, तो हमने साबित कर दिया कि मीट्रिक स्पेस हमारे पास क्या है, हॉर्सटॉ स्पेस है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आपने ज़रूर पूछना है। इसके बाद हम एक और थ्योरम प्रूव करेंगे कि टी टू स्पेस हमारे पास टी वन स्पेस होती है, लेकिन टी वन स्पेस का टी टू स्पेस होना ज़रूरी नहीं है।